आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार, नो कम्प्रोमाइज ओनली न्यूज। हाथरस एसपी विनीत जसवाल के निर्देश में जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले 15 दिनों में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामारी कार्रवाई करते हुए 85 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हाथरस पुलिस ने शराब तस्करों के पास से 1700 लीटर अवैध अंग्रेजी और देशी शराब, 600 लीटर अवैध रेक्टिफाइड स्पीड, 400 लीटर लहन को बरामद करते हुए अवैध नकली शराब बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री के विरुद्ध हाथरस पुलिस द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन प्रहार। इसी ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए हाथरस पुलिस द्वारा विगत 15 दिनों में अवैध शराब की बिक्री तथा तस्करी में लिप्त कुल 85 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से कुल 1700 लीटर अवैध देशी एवं अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्रवाई करते हुए दो नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया गया है तथा उसमें संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन फैक्ट्रियों से कुल 600 लीटर अवैध रेक्टिफाइड स्पिरिट पुलिस ने बरामद किया तथा शराब बनाने के व पैकेजिंग करने के उपकरण भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन के तहत कुल 4 कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया है, करीब 400 लीटर लहन मौके से नष्ट की है और अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसी ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत हाथरस पुलिस द्वारा एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी गांवों में चौपाल लगा लगाकर ग्रामीणों को अवैध शराब के विरुद्ध जागृत किया जा रहा है तथा उन सभी को विश्वास पर्चियां बांटी जा रही हैं, जिसके माध्यम से सभी ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध शराब की तस्करी या उसके निर्माण में लिप्त होता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें, पुलिस उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेगी।